गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन सेकेंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़कर कंप्लीट किया, आज अपने इसका होमवर्क करेंगे। अपनी नोटबुक में जहां आपने पॉइंट फर्स्ट एंड की है, उसे नेक्स्ट पेज पे आप हेडिंग डालेंगे, लेसन सेकेंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। वर्ड मीन सबसे पहले करते हैं, पहले देखिए मास्टर, एम ए एस टी ई आर, मास्टर मालिक। सेकेंड देखिए डोमेस्टिकेटेड, डी ओ एम ई एस टी आई सी ए टी ई डी, डोमेस्टिकेटेड पालतू। नेक्स्ट देखिए टैम्ड, टी ए एम ई डी टैम्ड, ये भी क्या होता है, पालतू। नेक्स्ट वॉल्फ, डब्ल्यू ओ एल एफ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया। नेक्स्ट ill played, I L L P L E A S E D, ill played, नाखुश या फिर अप्रसन्न, नाखुश या अप्रसन्न। नेक्स्ट wander, W A N D E R, wander, भटकना, भटकना, भटकने का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य इधर उधर घूमना, जिसका कोई टारगेट नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, ऐसे ही खाली इधर उधर घूमना, भटकना। नेक्स्ट है किन्समैन, के आई एन एस एम ए एन, किन्समैन, रिश्तेदार या संबंधी, रिश्तेदार या संबंधी, जो अपने क्लोज रिलेटिव होते हैं। नेक्स्ट स्निफ्ड, स्निफ्ड एस एन आई डबल एफ ई डी, स्निफ्ड, सूंघा सूंघा। नेक्स्ट है बेयर, बी ई ए आर, बेयर भालू भालू। नेक्स्ट है हार्ड, एच ई आर डी हार्ड, झुंड झुंड, जैसे अपने वस्तुओं के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं ना, ग्रुप के लिए, समूह के लिए, तो उसी तरह से जो जानवरों के समूह होता है उसके लिए अपने हार्ड वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है पैनिक, पी ए एन आई सी, पैनिक, आतंक आतंक, यानी कि भय, डर, त्रास। नेक्स्ट है बेस्ट, बी ई ए एस टी, बी ई ए एस टी बेस्ट, जंगली जानवर जंगली जानवर। नेक्स्ट है डेयर, डी ए आर ई डेयर, साहस करना साहस करना। नेक्स्ट है बेयर, बी ए आर ई बेयर, नगन नगन या नंगा, और बेयर का अपने केवल या मात्र के लिए भी बेयर वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्लिफ, सी एल आई
डेवलप क्लिफ चट्टान चट्टान। नेक्स्ट है गुड बाय जी डबल ओ डी बी वाई ई गुड बाय। अलविदा अलविदा। आगे इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर। कुत्ते को एक मालिक की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्या पढ़ा था स्टोरी में बताओ? पढ़ा था ना कि वो पहले स्वयं का मालिक खुद होता था तो उसको अपना पेट पालने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, जिससे वो थक जाता था, दूसरे जानवरों से उसे भय भी रहता था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अपने किसी का नौकर बन जाए और दूसरे को अपना मालिक बना लें, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। तो देखते हैं आंसर। बिकॉज द डॉग वाज फेड अप ऑफ हैविंग टू लुक फॉर फूड ऑल द टाइम। क्योंकि कुत्ता हर समय भोजन की तलाश से ऊब चुका था। ही वॉज ऑल्सो टायर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ फ्रॉम स्ट्रॉन्गर एनिमल्स। और वह अपने खुद की ताकतवर जानवरों से रक्षा करते करते भी थक चुका था। सो ही नीडेड ए मास्टर हु कुड प्रोवाइड हिम बोथ फूड एंड प्रोटेक्शन। इसीलिए उसे एक मालिक की आवश्यकता हुई जो उसे भोजन और सुरक्षा दोनों उपलब्ध करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर। सबसे पहले अपने मालिक के तौर पर उसने किसे चुना? Why did he leave that master? और उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया? सबसे पहले उसने कौन से मालिक को चुना और उस मालिक को उसने बाद में क्यों छोड़ दिया? तो सबसे पहले वो किसे मिलता है? आपने पढ़ा था लेसन में स्टोरी में, कौन था सबसे पहले? वॉल्फ। और फिर उसको छोड़ क्यों दिया था? क्योंकि वॉल्फ वो किसे डरता था? बेयर से। किसे डरता था? बेयर से। तो देखते हैं आंसर। द डॉग फर्स्ट चोज, चूज की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, द डॉग फर्स्ट चोज द वॉल्फ एज हिज मास्टर। सबसे पहले कुत्ते ने भेड़िए को अपना मालिक चुना। ही लेफ्ट द वॉल्फ बिकॉज द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल्फ एंड द डॉग वांटेड टू सर्व द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। क्योंकि उसने भेड़िए को छोड़ दिया क्योंकि वह पाता है कि भालू है वो भेड़िए से अधिक ताकतवर है, और कुत्ता अपने लिए ऐसे मालिक को चाहता था जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक ताकतवर हो। यानी कि कुत्ता उस जानवर का, उस प्राणी का नौकर बनना चाहता था, उसके लिए सेवा करना चाहता था जो सबसे अधिक ताकतवर हो। नेक्स्ट देखिए। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। अब उसके बाद में जब उसने वॉल्फ को छोड़ दिया तो वो किसको चुनता है? हु डिड ही चूज नेक्स्ट, अगले मालिक के तौर पर उसने किसे चुना? द आंसर देखते हैं। द डॉग चोज द बेयर एज हिज नेक्स्ट मास्टर।
कुत्ते ने अपने अगले मालिक के तौर पर किसको चुना? बेर को, बालू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड ही सर्व द लॉयल फॉर ए लॉन्ग टाइम? तब उसने लंबे समय तक शेर की सेवा क्यों की थी, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक शेर के साथ रहा था, तो ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने अपने पहले के दो मालिकों को बहुत जल्दी छोड़ दिया लेकिन शेर के साथ काफ़ी लंबी अवधि तक वो रहा, आखिरकार उसे भी छोड़ दिया लेकिन पहले वो बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहा, तो सोचिए। हाँ, आंसर देखते हैं, द डॉग सर्व्ड द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज द लॉयन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। कुत्ते ने शेर की लंबी अवधि तक सेवा की क्योंकि शेर सभी जानवरों में सबसे अधिक ताकतवर था एंड रूल्ड द जंगल, और जंगल पर शासन करता था। दिस प्रोवाइडेड सेकेंड फॉर्म है, आखिर में डी लिखा हुआ है, पी आर ओ वी आई डी ई डी प्रोवाइडेड द डॉग विद एनफ फूड एंड प्रोटेक्शन। दिस किसके लिए है? लोइन के लिए, कि यह है शेर है वो कुत्ते को पर्याप्त मात्रा में भोजन और सुरक्षा प्रदान करवाता था, इसीलिए उसने उसकी लंबे समय तक सेवा की। नेक्स्ट देखते हैं, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? अंततः उसने अपने मालिक के तौर पर किसे चुना और क्यों चुना? देखते हैं, आंसर है, फाइनली द डॉग चोज मैन एज हिज मास्टर। अंततः कुत्ते ने मानव को अपने मालिक के रूप में चुना। ही डिड सो बिकॉज मैन वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर ऑन अर्थ एंड रूल्ड ओवर ऑल एनिमल्स। क्योंकि व्यक्ति है वो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी था और सभी जानवरों पर शासन करता था। शेर तो सभी जानवरों पर शासन जंगल में था उस पर करता था, और आदमी है वो शेर सहित सभी जंगल के जो जानवर थे उन पर शासन करता था, इसलिए उसने सोचा कि आदमी यानी कि इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक स्ट्रॉन्गर है, सबसे अधिक ताकतवर है, इसलिए उसने अंत में मानव को अपना मालिक बनाया और आज भी वो वफादारी से उसकी सेवा कर रहा है। तो स्टोरी समझ में आई होगी, आगे अपने इससे ग्रामर से रिलेटेड जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।